आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्रोमोसोमल एनोमलीज के नाम से। क्रोमोसोमल एनोमलीज में हम स्टडी करेंगे डिफरेंट एनोमलीज जो कि क्रोमोसोम नंबर के साथ रिलेट करती हैं। इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेटोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। जितनी भी एनोमलीज होती हैं, डिफेक्ट्स होते हैं, बाय बर्थ डिफेक्ट्स, एबनॉर्मेलिटीज, उनको स्टडी करना टेरेटोलॉजी होता है। कॉजेज ऑफ कंजेनिटल मेल फॉर्मेशन अगर हम देखें तो इसमें दो फैक्टर्स आ जाते हैं, दो कॉजेज आ जाती हैं मेन, जेनेटिक फैक्टर्स हैं और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जेनेटिक फैक्टर्स में वही मोस्टली क्रोमोसोमल एनोमलीज हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में ड्रग्स और वायरसेस आ जाएंगे। अगर हम इन्हीं काजेज में क्रोमोसोमल एनोमलीज को देखें तो ये दो तरह की हो सकती है, न्यूमेरिकल जिसमें नंबर क्रोमोसोम का कम या ज़्यादा हो सकता है नॉर्मल से, और स्ट्रक्चरल हो सकता है जिसमें क्रोमोसोम्स की पोजीशनिंग में हम देखते हैं अमीनो एसिड्स की पोजीशनिंग चेंज हो जाती है, वो रिप्लेसमेंट हो जाती है या उनका कुछ पार्ट डिलीट हो जाता है या इंसर्शन हो जाती है, तो ये स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ इन्हीं से रिलेटेड होंगी। काजेज हैं कंजेनिटल मेल फॉर्मेशंस की, तो काजेज में अगर हम देखें तो जेनेटिक काजेज हैं हमारे पास। जेनेटिक में हम देखेंगे यूनिफैक्टोरियल काज हैं जेनेटिक में और मल्टीफैक्टोरियल हैं। लेफ्ट साइड ऑफ डायग्राम यूनिफैक्टोरियल काजेज, यूनिफैक्टोरियल जीन्स जो कि आगे डिजीजेस काज करती हैं, उनमें है एकोंड्रोप्लेजिया, हीमोफीलिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। हीमोफीलिया भी हमारे पास ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर्स। मल्टीफैक्टोरियल डिसऑर्डर में स्पाइना बाइफिडा, क्लब फुट, डायबिटीज़, मेलाइटिस एंड शिज़ोफ्रेनिया। ड्रग्स भी हमारे पास आ जाती है थ्रीडोमाइड, स्टीराइड्स, एंटी कन्वल्सेंट्स, एस्ट्रोजेंस, अल्कोहल, पेस्टिसाइड्स एंड पॉल्यूटेंट्स हैं। इन्फेक्शंस में रुबिला, साइटो मेगालोवायरस, सीएमबी भी जिसे कहते हैं, टेक्सोप्लाज्मोसिस, और इसके बाद है मेटरनल इलनेस। न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एनोमलीज, चेंजेस इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बेस पे इसकी दो टाइप्स हैं, पॉलीप्लाइडी एंड एनियोप्लाइडी। पॉलीप्लाइडी मीन सोमैटिक सेल्स कंटेन्स मल्टीपल ऑफ हेप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। हेप्लाइड में क्या है हमारे पास 23 क्रोमोसोम्स आती हैं, लेकिन इसमें मल्टीपल कॉपीज़ हैं, और हमें पता है कि जब भी जायगोट बनता है तो उसमें डिप्लाइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होते हैं, क्योंकि दो हैप्लाइड मिलकर डिप्लाइड बना देंगे तो 2n तो नॉर्मल है हमारे पास, लेकिन इनमें क्या है मल्टीपल कॉपीज़ बन जाती हैं 3n, 4n, 5n। एनियोप्लाइडी या फिर हेट्रोप्लाइडी, डेविएशन फ्रॉम द डिप्लाइड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स, इसमें कोई एक नंबर ज़्यादा हो जाए क्रोमोसोम्स का या फिर कम हो जाए। पॉलीप्लाइडी में हमने देखा था कि कंप्लीट सेट जो है वो रिपीट होता है, टू तो नॉर्मल ही है, 3, 4, 5, 6, 7 इवन 8, 9, 10 टाइम्स तक भी वो सेट रिपीट हो सकता है। एनियोप्लाइडी में नॉर्मल कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 47 होते हैं क्योंकि 23 पेयर्स हैं, तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 2 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में, इसमें एक कम या ज़्यादा जब होगा तो वो एनियोप्लाइडी होगा। मैकेनिज्म हम पहले देखेंगे पॉलीप्लाइडी के, जिसमें हमें सेट ही मल्टीपल टाइम्स मिलता है, तो इसकी तीन मैकेनिज्म हैं। नंबर वन जो है फेलियर ऑफ द पुलिंग अपार्ट ऑफ टू क्रोमाटिड्स टू अपोजिट एंड्स आफ्टर मेटाफेज स्टेज ऑफ माइटोसिस, के दो क्रोमाटिड्स जो हैं वो सेपरेट ही नहीं होते। सेकंड है रीडुप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाती है, कि एक दफ़ा तो डुप्लिकेशन होती ही है वो तो नॉर्मल है, लेकिन रीडुप्लिकेशन जब होगी तो उसकी 4 कॉपीज़ बन जाएंगी। फेलियर ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, कि साइटोप्लाज्म न्यूक्लियर की तो डिवीजन हो गई लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड ही नहीं हुआ, जिसकी वजह से सारे क्रोमोसोम एक ही गैमीट में रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप ऑफ पॉलीप्लाइडी, जिसमें वही नंबर ऑफ सेट्स हमने देखा है कि रिपीट हो रहा था 4 times, 3 times, 5 times, even 10 times तक भी हो सकता है। तो फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं पॉलीप्लाइडी की, ऑटो पॉलीप्लाइडी एंड एलो पॉलीप्लाइडी। पहले हम देखेंगे ऑटो पॉलीप्लाइडी। ऑटो में क्या होता है, इवन नंबर्ड मल्टीपल्स ऑफ हेप्लाइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि ऑटो पॉलीप्लाइडी में इवन नंबर जो हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, इवन नंबर में नंबर ऑफ सेट्स मिलेंगे, जैसे टेट्राप्लाइडी टेट्रामीन 4, हेक्सामीन 6 कॉपीज़ मिलेंगी हमें और ऑक्टामीन 8 कॉपीज़ मिलेंगी। अगर तो 4 कॉपीज़ होंगी तो टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 92 बन जाएंगे। हेक्साप्लाइडी टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम 136 और ऑक्टाप्लाइडी में टोटल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 184। सेकेंड टाइप है एलो पॉलीप्लाइडी, इसमें ऑड नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स होंगे,
और में वही ट्राइपोलाइडी, पेंटापोलाइडी या फिर हेप्टापोलाइडी। ट्राई में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 69 जो कि मोस्ट कॉमन है। पेंटापोलाइडी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनेंगे हमारे पास 115 और हेप्टापोलाइडी में हमारे पास बनते हैं 161 क्रोमोसोम्स। पॉलीपोलाइडी जो है ये मोस्टली प्लांट्स में होती है। मैकेनिज्म है नेक्स्ट एन्योपोलाइडी का, जिसमें कोई एक नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक्स्ट्रा हो रहा था, मतलब 47 क्रोमोसोम्स हो रहे थे इंस्टेड ऑफ 46 या फिर 45 हो रहे थे इंस्टेड ऑफ 46। मैकेनिज्म ऑफ एन्योपोलाइडी, इसके जो मैकेनिज्म है उसमें है फॉर्मेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स, के बोथ गैमेट्स एबनॉर्मल बने हैं। सेकंड है फ्यूजन ऑफ आइदर ऑफ दीज एबनॉर्मल गैमेट्स विद द नॉर्मल गैमेट कैन रिजल्ट इन ट्राइजोमी और मोनोजोमी। नंबर वन ये है कि एबनॉर्मल गैमेट्स की फॉर्मेशन हुई है। सेकेंड पे क्या हो रहा है कि वही एबनॉर्मल गैमेट्स जो हैं वो जाकर नॉर्मल के साथ जब फ्यूज करेंगे तो वो ट्राइजोमी या मोनोसोमी कास्ट करेंगे। में इन्वॉल्व इन ऑटोजोम आर सेक्स क्रोमोजोम्स। ये जो एन्योपोलाइडी है ये ऑटोजोम्स में भी हो सकते हैं या फिर सेक्स क्रोमोजोम्स में। नेक्स्ट ये दो डायग्राम्स हैं राइट और लेफ्ट साइड पे। अगर हम लेफ्ट साइड पे देखें तो ये नॉर्मल माइटोटिक डिवीजन को इंडिकेट कर रही है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन और सेकेंड माइटोटिक डिवीजन। यहाँ पे फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुई तो दोनों क्रोमोसोम्स सेपरेट हो गए जो कि डिप्लाइड इन नंबर थे, और सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में क्रोमेटिड सेपरेट हो रही है सेंट्रोमियर से। और जो राइट साइड पे हमें दिखाई गई है डायग्राम, अगर हम इसमें देखें तो इसमें जो हम पहले फर्स्ट को देखेंगे जो लेफ़्ट साइड पे है, कि जो फर्स्ट डिवीजन हुई है फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में ही कोई फॉल्ट था जिसकी वजह से दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक ही गैमेट में चले गए और सेकेंड गैमेट जो है वो एम्प्टी है, उसमें कोई क्रोमोसोम नहीं है। सेकेंड डिवीजन फिर इसकी नॉर्मल हुई है कि हर गैमेट में हाफ ऑफ चला गया और क्रोमेटिड्स भी सेपरेट हो गए। इसके साथ ही सेकेंड जो इसमें एबनॉर्मेलिटी हो सकती है वो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में हो सकती है। फर्स्ट जो है वो ठीक हो जाती है डिवीजन, लेकिन सेकेंड में देखें कि दोनों ही सेंट्रोमेयर से सेपरेट होकर क्रोमेटिड्स एक ही गैमेट में चले गए। फर्दर जब यही एबनॉर्मल गैमेट्स फ्यूज करेंगे तो वही ट्राइजोमी या मोनोजोमी कास्ट करेंगे। ट्राइजोमीज ऑफ क्रोमोजोम्स, प्रेजेंस ऑफ थ्री कॉपीज ऑफ क्रोमोजोम्स के किसी भी एक क्रोमोसोम, चाहे वो सेक्स क्रोमोसोम्स हो या ऑटोसोम, एक्स्ट्रा कॉपी के साथ होगा। नॉर्मल तो टू कॉपीज होती हैं ईच क्रोमोसोम्स की, लेकिन इसमें थ्री कॉपीज मिलेंगी हमें उस एबनॉर्मल क्रोमोसोम की। ट्राइजोमी ऑफ ऑटोसोम्स मोस्टली हमें मिलती है क्रोमोसोम नंबर 13, 18 और 21, और ट्राइजोमी ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स जो ज़्यादा कॉमन है उनमें ट्रिपल एक्स एंड डबल एक्स वाई है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सिर्फ ट्राइजोमी ऑफ ऑटोसोम्स को। ट्राइजोमी ऑफ ऑटोसोम्स, अगर तो 13 नंबर क्रोमोसोम्स वो रिपीट हो रहा है तो वो कास्ट करता है पेटियो सिंड्रोम। ट्राइजोमी ऑफ 18 कास्ट करेगा एडवर्ड सिंड्रोम, और ट्राइजोमी ऑफ 21 कास्ट करता है डाउन सिंड्रोम को। अब इन तीनों सिंड्रोम्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ट्राइजोमी एट द पोजिशन नंबर 13 रिजल्ट इन पैटियो सिंड्रोम, फर्स्ट डिस्क्राइब बाय बार्थोलिन एंड री डिफाइंड बाय द पैटियो। सबसे पहले बार्थोलिन ने इसे डिस्क्राइब किया था और सेकेंडली रीडिफाइंड हुआ है पैटियो से। क्रोमोजोमल कॉम्प्लीमेंट ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये ऑटोजोमल है, सेक्स क्रोमोसोम्स तो इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे। अगर तो मेल है मेल के साथ वही 47 डबल एक्स वाई, लेकिन 13 नंबर क्रोमोसोम पे हो गया एबनॉर्मलिटी। सेम इसी तरह 47 मेल्स में और पोजीशन सेम 13 है। फिनोटाइप क्या है, वही मेल और फीमेल दोनों मिल सकती है जो अपियरेंस होगी। इंसिडेंस 1 in 12,000, और ये लिंक करता है एज ऑफ मदर के साथ। फीचर्स क्या मिलेंगे हमें, प्रोमिनेंट फीचर जो पैटियो सिंड्रोम में मिलते हैं, मेंटल डेफिशिएंसी है, बर्थ वेट उनका लो होता है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ फ्रंटल लोब, एब्सेंस ऑफ कॉर्पस कैलोजम, हाइपोप्लेजिया ऑफ सेरिबेलम, सेरिबेलियम भी अंडर डेवलप्ड होगा, स्लोपिंग ऑफ फोरहेड स्लोप होगा, नेक्स्ट पिक्चर में दिखाया हुआ भी है। स्कैल्प डिफेक्ट्स इसमें मिलते हैं, ईयर्स मेलफॉर्म्ड होंगे, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स मिल सकते हैं, रीनल ट्रैक्ट एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, माइक्रो ऑफ्थर्मिया, आईज स्मॉल साइज होंगे, बाइलेटरल क्लेफ्ट लिप पैलेट, बाइलेटरल जो है वो लिप सेप्लिट हो सकता है या फिर पैलेट सेप्लिट हो सकता है, लिप और पैलेट दोनों भी सेप्लिटेड मिल सकते हैं। पॉलीडिक्टाइली विद रूडिमेंट्री डिजिट्स, पॉलीडिक्टाइली में एक्स्ट्रा डिजिट होगी विद रूडिमेंट्री डिजिट्स, जिसमें कोई एक या दो फेरिक्स रिपीट होंगे साथ अटैच होंगे एक्स्ट्रा फिंगर के। रॉकर बॉटम हील
इसमें जो हील है वो पोस्टीरियरली वही बहुत ज़्यादा डिवेलप्ड होता है, सेम लाइक रॉकर बॉटम। तो ये हो गई हमारे पास पेटियो सिंड्रोम की क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, इसकी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। अगर 13 नंबर क्रोमोसोम पे देखें जिस पे रेड एरो हमें नज़र भी आ रहा है, तो ये इसकी 3 कॉपीज़ हैं। वैसे तो हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज़ है, अगर हम देखें 1, 2 XY सबकी हमें 2-2 कॉपीज़ मिल रही है, लेकिन जो 13 है उस पर एक एक्स्ट्रा कॉपी है। और राइट साइड पे जो पिक्चर है उसमें हम देखें तो ईयर इनके मेल फॉर्म्ड हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लिप्स है, स्प्लिटिंग ऑफ पैलेट है, माइक्रो ऑफ्थल्मिया है, आइस स्मॉल है। और अगर हम फोरहेड को देखें तो फोरहेड स्लोप हुआ हुआ है, इसी तरह की ही प्रेजेंटेशन मिलती है। पैटियो सिंड्रोम ऊपर जो पिक्चर थी उसमें तो सिर्फ फेस की प्रेजेंटेशन थी, और ये फुल बॉडी प्रेजेंटेशन है। स्मॉल हेड, एब्सेंट आईब्रोज, लेफ्ट लिप, लेफ्ट पैलेट, डिसप्लास्टिक एंड मेलफॉर्म्ड ईयर, क्लिंच्ड हैंड्स एंड पॉलीडिक्टाइली, वही एक्स्ट्रा डिजिट होगी, अनडिसेंडेंट आर एबनॉर्मल टेस्टिस, मेल भी ये हमें मिलेगा। सेकेंड टाइप है हमारे पास ट्राइजोमी एट द पोजिशन नंबर 18, रिजल्ट इन एडवर्ट सिंड्रोम, मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। तो फिनोटाइप भी वही मेल और फीमेल, इंसिडेंस 1 in 8,000। अगर हमने देखिए पैटियो सिंड्रोम से इसे कंपेयर करें तो उसमें 1 in 12,000 था, तो इसका मतलब है एडवर्ट सिंड्रोम ज़्यादा कॉमन है पैटियो से। एडवर्ट के जो कॉमन फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं उसमें मेंटल डेफिशिएंसी है, ग्रोथ रिटार्डेशन, प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट विद एलोंगेटेड हेड, वेबिंग ऑफ नेक जिसे हम टेरिगियम कोलाई भी कहते हैं, के रिजेस बन जाती हैं बोथ साइड ऑफ नेक, इनका स्टर्नम शॉर्ट होता है, माइक्रोगैंथिया कि जो लोअर जॉ होता है वो अंडर डिवेलप्ड होगा जिसकी वजह से माउथ स्मॉल साइज होगा, ओरल कैविटी स्मॉल होगी, लेकिन इनकी जो टंग होती है वो लार्ज साइज होती है। तो टंग उस छोटे से माउथ ओरल कैविटी में एकोमोडेट नहीं हो सकती, टंग रोल बैक कर जाती है जिसकी वजह से इन पेशेंट्स में रेस्पिरेशन डिफ़िकल्टीज होंगी। लो सेट मेलफॉर्म्ड ईयर्स, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, रीनल एनोमलीज भी मिल सकती हैं, क्लेंच्ड फिस्ट विद ओवरलैपिंग ऑफ फिंगर्स, और हाइपोप्लास्टिक नेल्स मतलब नेल्स भी अंडर डिवेलप्ड होंगे। एडवर्ट सिंड्रोम की फुल बॉडी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन, स्मॉल माउथ स्मॉल जा, शॉर्ट नेक, वही वेबिंग ऑफ नेक कहते हैं या फिर जिसे टेरिगियम कोलाई कहते हैं, शील्ड चेस्ट ऊपर हमने इसके फीचर्स में भी देखा है, स्टर्नम इनका शॉर्ट होता है तो इस शॉर्ट स्टर्नम की वजह से इनके चेस्ट को शील्ड चेस्ट कहते हैं, शॉर्ट एंड प्रोमिनेंट स्टर्नम एंड वाइड सेट निपल्स। ऑक्सीपिट ऑफ द बैक पार्ट ऑफ द स्कल इज प्रोमिनेंट, पिक्चर में हमें नज़र आ रहे हैं कि ऑक्सीपिट इसमें प्रोमिनेंट होता है, डिसप्लास्टिक और मेलफॉर्म्ड ईयर, क्लेंच्ड हैंड्स विद ओवरलैपिंग फिंगर्स, इसमें पॉलीडेक्टाइली नहीं होती, पॉलीडेक्टाइली हमें प्लेटियो में मिलती है। और अगर हम लोअर लिम में बात करें तो इसमें फ्लेक्स्ड बिग टो, प्रोमिनेंट हील्स। लास्ट टाइप है हमारे पास ट्राइजोमी एट पोजिशन नंबर 21, जो इससे हम कहते हैं डाउन सिंड्रोम, ये मेल और फीमेल दोनों में हो सकती है। तो इसकी फिनोटाइप वही मेल और फीमेल होगी, इंसिडेंस 1 in 800। तो मोस्ट कॉमन इन तीनों सिंड्रोम में से कौन सी है, डाउन सिंड्रोम के 1 in 800 है, और मदर एज के साथ लिंक करती है। फीचर ऑफ डाउन सिंड्रोम में शॉर्ट हाइट है, सीवियर मेंटल डेफिशिएंसी विद डिक्लाइनिंग आईक्यू विद एज, नॉर्मल जो आईक्यू होता है वो 85 से ऑलमोस्ट 115 तक होता है, लेकिन इन बच्चों का आईक्यू वैसे भी कम होता है, एज के साथ साथ और डिक्लाइन होगा। ब्रैकिसेफेली विद फ्लैट फेस एंड ऑक्सीपिट, ब्रैकिसेफेली में जो इनके सल्कस और गायरस फॉर्मेशन होती है वो नहीं होगी बल्कि फ्लैट ब्रेन होगा। फ्लैट एंड डो नेजल ब्रिज होती है, अपवर्ड स्लांट ऑफ पल्पेबर फिशर्स के, आइज जो होंगी वो स्लांटिंग होंगी, ओब्लीक होंगी, मेल फॉर्म लार्ज ईयर्स, एपिगेंथल आई फोल्ड्स ऑफ द आइज, मीडियल एंगल ऑफ जो आई होता है वहाँ पे फोल्ड बन जाता है, ब्रश फील्ड स्पॉट्स इन द आइरिस के ये वाइट या ग्रे कलर का स्पॉट बन जाता है आइरिस में, रीनल एनोमलीज हैं, प्रोमिनेंट एंड प्रोट्रूडिंग टंग जिसे सक्रोटल टंग भी कहते हैं या फिर फिशर टंग कहते हैं, सिनियन क्रीज ये हैंड में इनकी बनती है, एबनॉर्मल क्लिनोडेक्टाइली ऑफ द 5th डिजिट जिसमें स्मॉल डिजिट जो है उसमें लेटरल कर्व बन जाता है। ये डाउन सिंड्रोम के पोजिशन नंबर 21 पे देखें, ये 3 क्रोमोसोम्स हमें नज़र आ रहे हैं राइट और लेफ्ट, ये दोनों पिक्चर्स क्रोमोसोम्स की हैं। नेक्स्ट पिक्चर में पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, ग्रोथ फेलियर मेंटल रिटार्डेशन,
फ्लैट बैक ऑफ हेड, ब्रैकिसेफेली, क्योंकि ऊपर हमने पढ़ा था ब्रैकिसेफेली, ब्रैकिसेफेली सॉरी कहते हैं इसी को है, जिसमें आपका पोस्टीरियर हेड जो है वो फ्लैट होता है, वो जो है पोलिसेंसेफेली होता है जिसमें सल्कस और गैरस नहीं बनते। मैनी लूप्स ऑन द फिंगर टिप्स, पाम क्रीज, स्पेशल स्किन रिज पैटर्न्स, यूनिलैटरल बाइलैटरल एब्सेंस ऑफ वन रिब, इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज, अम्बिलिकल हर्निया, एबनॉर्मल पेल्विस, डिमिनिश्ड मसल टोन, बिग टो वाइडली स्पेस्ड, एनलार्ज्ड कोलन, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस, स्मॉल एंड आर्च्ड पैलेट, बिग रिंकल्ड टंग जिसे हमने ऊपर पढ़ा है, सक्रोटल टंग या फिर फिशर टंग, डेंटल एनोमलीज भी साथ होंगी, शॉर्ट एंड ब्रॉड हैंड्स, ब्रॉड फ्लैट फेस, स्लांटिंग आईज, एपिगेंथिक आई फोल्ड, मीडियल एंगल ऑफ आई पे ये मिलता है, और शॉर्ट नोज। डाउन सिंड्रोम में हमने पढ़ा था सिमियन क्रीज का, तो ये लेफ्ट साइड पे जो क्रीज है ये नॉर्मल है, राइट साइड पे सिमियन क्रीज है जिसमें थ्रू आउट एक ही क्रीज हमें हैंड पे नज़र आ रही है। ये डिफरेंट प्रेजेंटेशन है, वही डाउन सिंड्रोम की स्लांटिंग आइज नज़र आ रही है, एपिगेंथियम फोल्ड है, शॉर्ट नोज है, सिमियन क्रीज है, ये आई की स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन जिसमें हमें एपिगेंथल फोल्ड नज़र आ रहे हैं। फिर फुट पे हम देखें तो फुट पे वही बिग टो जो है वो वाइडली स्पेस्ड है बाकी टो से, ईयर मेल फॉर्म्ड है, टंग की प्रेजेंटेशन सपोर्टल और फिशर टंग है। डाउन सिंड्रोम प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं। पेटियो सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद ट्राइजोमी ऑफ क्रोमोसोम, अभी हमने पढ़ा भी है, तो ये 13 नंबर क्रोमोसोम के साथ एसोसिएट करती है। रॉकर बॉटम हील इज एसोसिएटेड विद, रॉकर बॉटम हील भी हमें पेटियो सिंड्रोम में मिलती है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्राइजोमी ऑफ ऑटोसोम्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा ऑटोसोम ट्राइजोमी नहीं है, तो लाइन फिल्टर सिंड्रोम डबल एक्स वाई जो है वो हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ऑटोपोलीप्लाइडी, ऑटोपोलीप्लाइडी इनमें से कौन सी नहीं है, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा या ऑक्टा। टेट्रा को देखें तो ये 4, हेक्सा 6 हो गया, ऑक्टा 8 हो गया, तो ये इवन नंबर है, ये ऑटोपोलीप्लाइडी है। लेकिन जो ट्राई है ये हमारे पास एलोपोलीप्लाइडी है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा अल्फा ट्राईप्लाइडी। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज थे पॉसिबल वो भी डिस्कस कर लिए हमने। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए